विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कुपोषण, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कम करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नाना पटोले ने विधान भवन में बीजिंग विश्व महिला सम्मेलन के रजत उत्सव के लिए आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया। उस समय वे बोल रहे थे, महाराष्ट्र में महिला शिक्षा की नींव रखी गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सूक्ष्म अनुसंधान की आवश्यकता है। महिलाओं के विकास के अलावा महिलाओं की जिम्मेदारियां, उन्हें मिलने वाली सुविधाएं, लोगों की गरिमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन दे रही है, पुरुषों के मुकाबले में डटकर खड़ी होकर काम कर रही है। पटोले ने यह भी सुझाया कि महाराष्ट्र को सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में बीजिंग विश्व महिला परिषद में महाराष्ट्र द्वारा महिला सूक्ष्मीकरण के लिए एक अच्छी प्रस्तुति देनी चाहिए। चीन में 25 साल पहले आयोजित विश्व महिला परिषद में मुख्य रूप से उल्लेखित महिला और गरीबों की शिक्षा, प्रशिक्षण, आरोग्य, हिंसाचार, अर्थ कारण, सत्ता और निर्णय लेने सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऐसा सुझाव श्री नाना पटोले ने दिया। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए YouTube चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। Thank you.